लखनऊ के दिल में बसा और लखनऊ की शान है बड़ा इमामबाड़ा, जो साल भर में सबसे ज्यादा पर्यटक अपनी तरफ आकर्षित करता है। अवध के चौथे नवाब असफुद्दौला ने साल 1784 में इस इमामबाड़े को बनवाया था। बड़े इमामबाड़े की आर्किटेक्ट इतनी हैरान करने वाली है कि ऐसा लगता है कि तब के जमाने में लोगों को साइंस की किताबें पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। इन इमारतों की बनावटों में उनकी दूरदर्शिता और साइंस पे पकड़ साफ दिखाई देती है। बड़े इमामबाड़ा को आप तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, पहला इमामबाड़ा, दूसरा भूलभुलैया और तीसरा बावली। अगर आप लखनऊ आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इमामबाड़ा विजिट करना ही चाहिए। आज के वीडियो में हम इमामबाड़े के कुछ अनटच फैक्ट्स बताने वाले हैं जो काफ़ी हैरान कर देने वाली हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, स्किप मत करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। इमामबाड़े के 330 मीटर के भूलभुलैया में जितने भी मोड़ हैं वहाँ पे चार रास्ते हैं, जिसमें से तीन खुले हैं एक बंद है, और जितना भूलभुलैया के नीचे जाएंगे आप उतना ही फंस जाएंगे और जितना ऊपर आएंगे आप उतना ही भूलभुलैया से बाहर आएंगे। कहा जाता है कि सन 1773 में जब अकाल पड़ा था और करीब 5000 लोग भूखमरी से मर गए, तब उस समय के नवाब ने रोजगार देने के लिए इमामबाड़ा बनवाने के बारे में सोचा था, जो दिन में बना के रात में तोड़ दी जाती थी ताकि रोजगार रहे। तब जाके 22,000 मजदूरों ने लगभग 11 साल बाद 1784 में इमामबाड़ा बनाकर तैयार किया था। इमामबाड़ा बनवाने में सीमेंट का बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है। उस समय इमामबाड़ा आपके रसोई के खाद्य पदार्थों से, जैसे उड़द की दाल, गुड़, चूना, गोंद आदि के मसालों से मिला के बनाई गई थी। इन सब मसालों से बनाने के बावजूद भी इमामबाड़ा आज भी मजबूती से खड़ा है। इमामबाड़े की दीवारें कुछ ऐसी बनाई गई हैं कि इमामबाड़े के एक कोने से खड़े होकर अगर कुछ बोले तो दूसरे कोने तक सुनाई देती है। यह इसलिए है कि इमामबाड़े की दीवारें बीच में से खाली हैं, जिस वजह से ये पूरी बिल्डिंग आवाज़ का इको बना देती है। इसलिए बाड़े में अगर आप एक तरफ खड़े होकर कुछ बोले तो दूसरी तरफ साफ सुनाई देता है। इसी टेक्निक का इस्तेमाल उस समय के सिपाही दुश्मनों से बचने के लिए किया करते थे, और यहीं से कहावत बनी है कि दीवारों के भी कान होते हैं। लखनऊ के इमामबाड़े में एक ऐसी खिड़की है जहाँ से इमामबाड़े की मेन एंट्रेंस साफ दिखाई देती है। उस खिड़की पर खड़े होकर आप देख सकते हैं कि इमामबाड़े में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन एंट्रेंस से वो खिड़की आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। मेन एंट्रेंस पे खड़े होकर वो खिड़की अगर आप खोजना चाहेंगे तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, इसलिए इस खिड़की का नाम चोर दरवाज़ा है। इमामबाड़े की पूरी इमारत डार्ट्स पे खड़ी हुई है। इसका मतलब है इमामबाड़े के नीचे की मंजिलें सिर्फ 2.5 फीट की हैं और ऊपर के माले की मंजिलें 7 फीट की, जो अपने आप में ही एक बहुत विचित्र रचना है। एक पतली चीज़ के ऊपर मोटी चीज़ टिकाना बहुत ही मुश्किल होता है, और इमामबाड़े में ये मुमकिन हुआ है इसके खास मसाले की वजह से। इमामबाड़े की असली भूलभुलैया यहाँ के पहले माले की भूलभुलैया नहीं, बल्कि इमामबाड़े के नीचे से जाती हुई गुफाएं हैं, जो कि उस समय लखनऊ को सारे बड़े शहरों जैसे दिल्ली, आगरा और कलकत्ते से जोड़ती थी। जब 1800 में गदर हुआ था और 10,000 सिपाही मारे गए थे, तो 1857 में इस भूलभुलैया को बंद कर दिया गया था। आज के समय में भी वो भूलभुलैया पर्यटकों के लिए बंद है, केवल पहले माले को खोला गया है। इमामबाड़े की छत से पूरे लखनऊ का सिटी व्यू आपको देखने को मिलता है, जहाँ से आप गोमती नदी, पक्का पुल, टीले वाली मस्जिद, छोटा इमामबाड़ा, क्रिकेट स्टेडियम और यहाँ तक कि यहाँ के रामलीला मैदान भी देख सकते हैं। इमामबाड़े की छत पे जितने भी गुंबद लगे हुए हैं उनका शेप लौंग और लहसुन की शेप में डिज़ाइन किया हुआ है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं।
उस समय ऐसी नक्काशी ने इमामबाड़े को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया था। इमामबाड़े की बौली का पानी उस समय बाहर से देखने में काला लगता था और अंदर से सफ़ेद। उस पानी का इस्तेमाल उस समय के सिपाही शीशे की तरह करते थे, जिससे उन्हें ये पता लग जाता था कि बौली में कौन और कितनी संख्या में घुस रहा है। और वही पानी बाहर से काला लगने के चलते बाहर के दुश्मनों को पता नहीं चल पाता था कि अंदर कितने सिपाही मौजूद हैं। इस बौली में पहले गोमती नदी का पानी भरा रहता था, अब जेट का पानी भरा रहता है। ये 7 माले की बिल्डिंग के 4 तल्ले नीचे पानी में डूबे हुए हैं, जो कि गोमती नदी से लगे हुए हैं। जब कभी भी दुश्मन के सिपाही इमामबाड़े में घुस जाते थे तो इमामबाड़े के सिपाही इस बौली का इस्तेमाल स्पाई कैमरे की तरह करते थे, जिससे उन्हें ये पता लग जाता था कि दुश्मन की तादाद कितनी है। और दूसरी तरफ दुश्मन को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं होता था कि इमामबाड़े के सिपाही उन पर नज़र रखे हुए हैं। इस स्पाई कैमरे की खास बात यह है कि सामने वाला आपसे दिखने में नीचे दिखेगा, लेकिन असल में वो आपसे 60 मीटर ऊंचा पे खड़ा रहता है। इमामबाड़े पर जब अंग्रेजों ने हमला किया था तो नवाब असफुद्दौला के मुनीब रस्तोगी लाल, जो नवाब के सारे खजाने की देखरेख किया करते थे, उन्होंने महल का सारा खजाना इस बौली में छुपा दिया था और खुद उसकी चाबी लेकर उस बौली में कूद गए थे। और उनका पीछा करते हुए ब्रिटिश आर्मी का एक सिपाही भी कूदा, पर आज तक उन दोनों का शव इस बौली में नहीं मिला। बाकी बचे अंग्रेजों को ऊपर से जो खजाना मिला लूट कर चले गए। इसलिए मानते हैं कि खजाना अभी भी इस बौली में भी छुपा हुआ है। खजाने की खुदाई के मामले में सरकार और इमामबाड़े के वंशजों में झड़प होती रहती है कि खजाना किसका होगा, इसलिए खुदाई भी डिले पे रहती है। जब नवाब के खजाने को खोजने के लिए खुदाई शुरू की गई तो खुदाई 2 जगह की गई, जिसमें 50 मजदूर काम पर लगे थे, लेकिन मजदूरों की गिनती के दौरान केवल 49 मजदूर ही मिले। जब उनसे पूछा गया कि 50वां मजदूर कहाँ गया, तब जाके सबको पता चला कि 50वें मजदूर को वो खजाना मिला था और जितना वो अपने एक हाथ में समेट सकता था समेट के भाग गया। और आज भी बचे हुए खजाने की खोज जारी है। मरे रसूल वो जगह है जहाँ पर वहाँ के मौलाना बैठते थे। नवाबों के समय से ही उस समय वहाँ भोज किया जाता था, जिसमें हर किसी को 2 महीने के लिए मुफ्त खाना मिलता था, चाहे भीड़ 100 की हो या 50,000 की। मरे रसूल से कोई भी कभी भी भूखा नहीं जाता था। इमामबाड़े की बनावट ऐसी की गई थी कि यहाँ पर गर्मी के दिनों में भी बिना एसी के ठंडी हवा बहती थी। ईरान के आर्किटेक्ट इफतुल्ला ईरानी ने ऐसा नक्शा बनाया था कि इमामबाड़े के जो तल यमुना नदी के नीचे रहते थे, जिससे नदी से जो लहरें उठती थी उसके हवा को इमामबाड़े को ठंडा रखने में मदद मिलती थी। इसलिए बाहर कितनी भी गर्मी पड़े अंदर ठंड ही रहती थी। यह भी माना जाता है कि इस वेंटिलेशन सिस्टम की कॉपी आज तक नहीं की गई है। इमामबाड़े की जितनी भी महिलाएं थी मुहर्रम के दिन इसी हॉल में रहती थी और काला कपड़ा बिछा दिया जाता था। इस हॉल को चाइनीज ट्रे के नाम से जानते हैं। बड़े इमामबाड़े की मेन बाड़े की छत एशिया में सबसे बड़ी छत है, जो कि बिना पिलर और सपोर्ट के खड़ी है। यह छत 163 फीट लंबी है और 60 फीट ऊंची, और जो ईरानी ट्रे के नाम से भी फेमस है। बड़े इमामबाड़े में एक ऐसी जगह है जहां अल्लाह के 99 अलग अलग तरीक़ों से नाम लिखे हुए मिलेंगे। नवाब आसिफुद्दौला और उनकी बेगम की कब्र आज भी बड़े इमामबाड़े में मौजूद है, और आसिफुद्दौला का नकली ताज उनके कब्र के पास रखा गया है, क्योंकि उनका असली ताज आज भी लंदन के द टावर ब्रिज म्यूजियम में मौजूद है, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा हर चीज़ की तरह चोरी करके ले जाया गया था। ये हैं बड़े इमामबाड़े की कुछ हिडन फैक्ट्स। आशा है आप लोगों को ये फैक्ट्स इंटरेस्टिंग लगे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और भी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।